हरियाणा की राजनीति में इस वक्त बवंडर आया हुआ है और इस बवंडर की चपेट में अगर कोई है तो वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता और तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने अपनी बेटी श्रुति चौधरी के साथ कल कांग्रेस से इस्तीफा दिया और आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया और उन्होंने कहा है कि वो अब पूरी तरह से भगवा रंग में रंग गई है। लेकिन इस सब के बीच उनकी सबसे खास सहयोगी और SRK ग्रुप की मेंबर शैलजा का क्या कहना है, कुमारी शैलजा ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी अपने आप में जानना दिलचस्प है क्योंकि अभी शैलजा कांग्रेस में है, सांसद है, लेकिन इस पूरे के पूरे राजनीतिक माहौल में जिस तरह से किरण चौधरी और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का साथ लिया है, कुमारी शैलजा का इस पर क्या कुछ कहना है तो ये जानना बेहद दिलचस्प है। तो आपको बता दें कुमारी शैलजा ने कहा है कि माँ बेटी यानी कि श्रुति और किरण चौधरी के साथ पार्टी में इंसाफ नहीं हुआ और कहीं ना कहीं एक बार फिर से उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि अपने बेटे के प्यार में, अपने बेटे के चक्कर में वो पूरी की पूरी पार्टी को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। और इतना ही नहीं, उनके रास्ते में कोई भी अगर आ रहा है तो उसे कैसे साइड लगाना है वो भी बेहद अच्छे से जानते हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा का पूरा ये घटनाक्रम हुआ, श्रुति को टिकट नहीं मिला, उसी से ये नाराजगी चल रही थी और एक नाइंसाफी जो है दोनों के साथ हुई है। अब सीधे सीधे कुमारी शैलजा ने किरण चौधरी और श्रुति का समर्थन किया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर महेंद्रगढ़ भिवानी और गुरुग्राम के टिकट में अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी मनमानी नहीं करते तो ये दोनों सीट कांग्रेस जीत सकती थी। गुरुग्राम से कैप्टन अजय यादव और महेंद्रगढ़ भिवानी से ये सीट अगर श्रुति चौधरी को दी जाती है, टिकट श्रुति चौधरी को दी जाती तो ये सीट कांग्रेस के हिस्से में होती, लेकिन उन्होंने ये दोनों ही टिकटें अपने चहेतों को दी और मनमानी की। सीधे सीधे उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीत सकती थी लेकिन वो 5 पर सिमट कर रह गई। तो पूरी इस तरह की नाराजगी आरोपों के बीच ये एक बड़ा घटनाक्रम जो हुआ हरियाणा में, जिसकी कि कल शाम से शुरुआत हुई थी। लेकिन आपको बता दें, रिपोर्टर जी ने इस बात की तस्दीक कई दिन पहले ही कर दी थी कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होगी और फाइनली उस खबर के ऊपर मोहर भी लगी जो खबर रिपोर्टर जी ने सबसे पहले आप सबको बताने का काम किया था। लेकिन कुमारी शैलजा ने जिस तरह से समर्थन किया है, इससे साफ है कि अभी भी जो बगावती सुर है, जो नाराजगी है कुमारी शैलजा की, वो अब बरकरार है, वो पार्टी के भीतर ही है। लेकिन आने वाले समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए ये समय कितना आसान होगा या मुश्किलें बनेगी ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।